ਇਹ ਜਨ ਜੜ ਮੇਣੇ ਮੇਣਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਰਨੀ ਬਦਲਾਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਜਨ ਬੋਝ ਕਲੀ ਫਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀ ਆਖਾਂ ਮੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਅਮੀ ਆਖਾਂ ਮੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੇ ਵੇਖਣਾ ਮੰਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹਨ ਉਮਰ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਨੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੇਬੇ ਬਈ ਤੋਂ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਝ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਬ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਬ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਸੂ ਸੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਬ जैसे बिस्तर गिले गिले महसूस होना तो बंदा आखना ये ख्वाब तो नहीं पूरा होया हुआ तो बेहतर है। खैर इट्स टाइम टू स्लीप नाउ एंड वी विल स्टार्ट आवर व्लॉग टुमारो मॉर्निंग। मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन सर्दी लगती है, इसलिए डेली नहाने की जरूरत नहीं है। और शेरों के मुंह धुले होते हैं, इसलिए तौलिया गीला करके सिर्फ सवेरे सवेरे मुंह पे मार लें। इस तरह की फजूल नसीहतें देने वाले जितने भी बुजुर्ग हैं ना, इनसे दूर रहो। अभी अभी नहा के बाहर निकला हूँ मैं। जन अपनी जिंदगी च कुछ भी नहीं उखाड़ा ते तो सा नसीब दसते आज रहने ना इना एकदम चुप लवाओ। असी तो हमेशा उस बंदे नहीं सुनो जड़ा अपनी जिंदगी च कामयाब है। कई है जन जड़ मेने मेने शलवार करनी बदलाई लेकिन असी होते जी दसों जन बोझ कली फनी फाउंडेशन नो ना रखी। जिस दिन मेरा दुकान पे कोई काम ना होना उस दिन मैं दुकान के लिए स्टिकर बनाना शुरू कर देता हूँ। इस स्टिकर ते इसने डिजाइनिंग करके ना बनाया आज। दो टोकों दे। आज शामी एक मरीज ने आदत आस्ते बैठना है तमी और आखा जल्दी आ रहा है। मोबाइल एच लोड कराया सब्जी वाले को बन के रेट पूछे पर साड़ी गई पैसे कमाने वाली मेड़िया सारिया कोशिशें जैसे सब्जी ने रेट पता लगे तो शलजम गोभी गाजर हर एक शायद 100 रुपए तो होते हुए। आजकल के दौर में अगर एक दो दिन की सब्जी लेके जाओ तो 1000 रुपया और साइड पे हुए। मैं चकने चकने फ्री नहीं एक गाजर की दी और वहां से निकल पड़ा। अगली दुकान से आधा किलो अंडे लिए और सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। शुक्र है अंडे दर्जन ने हिसाब ना नहीं मिलने नहीं तो बड़े मांगे पौना। आज बड़े अरसे तो बाद आपकी खिदमत में पेशे खिदमत है। मैं तेनु समझावा कि तू की जाने हाल मेरा। बस आज आस्ते इतना ही। मैं का ज्यादा सुन के बीमार न थी बंजो। मैं जैसे ही घर पहुंचा अभी गेट क्रॉस किया ही होगा तो वहीं पे स्टॉप लग गया। अम्मी ने आका पेशेंट अभी तक हॉस्पिटल में ही है, वापस घर नहीं आया, आप जाओ बच्चों को सैर करा के ले आओ। मैं आजकल के बच्चों को बच्चा नहीं बल्कि बुजुर्ग कहता हूँ क्योंकि इन आजकल ने बुजुर्ग तो ज्यादा तेज होते उस तो बड़िया शैतानियां आनिया ने। बट आई लेफ्ट विद नो ऑप्शन सो आई हैव टू टेक देम अवे। मैंने बुजुर्गों को झूलों पे छोड़ा और फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल मिला दी। आई वॉन्टेड टू स्टे इन अ फ्रेंड सर्कल आई हैव। द टाइम आई स्पेंड विद देम रन्स फास्टर ऑलवेज। वहाँ से फ्री होने के बाद मैं अपनी कनक देखने के लिए यहाँ पे आ गया और ये गांव का वो खूबसूरत माहौल है जो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस के जरिए इसकी रियल फीलिंग आप तक लाने की कोशिश करता रहता हूँ। आई होप कि मेरी ये काविश आप लोगों को पसंद आती होगी। मजीद शाम के वक्त मेरे सर में दर्द था तो मैं फार्मेसी पे दवाइयाँ लेने चला गया। ऐसा मैं कागजे ते लेना मार के दीतियां तो न लेना ते 1000 रुपए नी दवाई चाह देती इसमें। बाद में उसा दवाइया मोड़िया ते आका खाली मार डिस्प्रीन नी गोली चाह दो ते कागज मैं तुसां गोलियां पाउने आसे देता। खैर टू किल मोर टाइम आई वेंट टू खालाज हाउस। खाला ना आज के बाकी लोगों ने यह गला करने ने बड़ा मजा आना। हालांकि शी इज नॉट इनटू दैट बट आई लव गॉसिप्स क्योंकि उसमें से बंदे को बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। खैर स्पेंडिंग अराउंड 30 मोर मिनट्स विद देम आई वेंट बैक टू द बेकरी। वहां से घर के लिए मजीद कुछ सामान लिया और घर की तरफ निकल पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस।